हेलो इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्री रेणुका शुगर्स शेयर के बारे में। दोस्तों देख लीजिए, आज भी 2% वाला जिस तरीके से गिरते हुए बाजार में, दोस्तों पूरा मार्केट गिर रहा है, क्रैश हो चुका है। वहाँ पर जो शुगर कंपनीज है, शुगर इंडस्ट्रीज है, उनके सारे के सारे शेयर आप देखेंगे तो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी लेटेस्ट न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में मैं आपको इसके फंडामेंटल्स बताने वाला हूँ। तो देख लीजिए, देश की सबसे बड़ी शुगर कंपनी बनी श्री रेणुका शुगर्स, 3 महीने में निवेशकों को 3 गुना से ज़्यादा रिटर्न्स इसने दे दिया दोस्तों। अगर आपने 10,000 रुपये लगा दिए होते दोस्तों, तो कम से कम 30,000 के आसपास आपको बना दिए होते इसने। तो ये शुगर कंपनी है दोस्तों, इसकी लेटेस्ट न्यूज़ की अगर हम यहाँ बात करें, पिछले एक साल में शुगर सेक्टर की कंपनियों ने शेयर बाजार में निवेशकों को मालामाल कर दिया है। श्री रेणुका शुगर्स ने आज ईद पार्टी और बलरामपुर चीनी जैसी कंपनियों को मार्केट कैप के आधार पर पीछे छोड़ दिया और देश की सबसे बड़ी शुगर कंपनी बन गई है। इस शेयर में पिछले साल में 250% से ज़्यादा की शानदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को बना करके इसने दे दिए हैं। श्री रेणुका शुगर्स का शेयर आज करीब 5% की बढ़ोतरी के साथ 39.35 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इससे आज 52 सप्ताह का नया रिकॉर्ड कायम किया। 52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर 8 रुपये का दोस्तों ये स्टॉक हुआ करता था। साप्ताहिक आधार पर लगातार 6ठे सप्ताह इस शेयर में तेजी देखी गई। मंथली आधार पर पिछले 3 महीने में शेयर में लगातार तेजी के साथ बंद हो रहा था दोस्तों, लगातार इसके अंदर तेजी बनी हुई है। बहुत ही शानदार यहाँ न्यूज़ निकल कर आ रही है। इसी के साथ में अगर इसके फंडामेंटल्स की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जैसे देख लीजिए कंपनी काम क्या करती है। शुगर से रिलेटेड कंपनी का काम काज, इसका मार्केट कैप 8,365 करोड़ का, करंट प्राइस 39 रुपये और लोअर हाई देखने तो 9 रुपये का स्टॉक था, 48 रुपये का हाई मार दिया। डिविडेंड फिलहाल कंपनी नहीं दे रही, फेस वैल्यू 1 रुपये के आसपास है। बुक वैल्यू देखें तो -4.82 आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसके फंडामेंटल्स कुछ आप कह सकते हैं ठीक ठाक ही हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं। इसके मैक्सिमम चार्ट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसका मैक्सिमम चार्ट देखें, कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो 16 रुपये के आसपास लिस्ट हुई थी, फिर इसने 80 रुपये के आसपास हाई मारा, फिर नीचे लगातार इसका स्टॉक गिरता गया। इसके बाद 120 रुपये का कंपनी ने हाई मारा। इसके बाद में दोस्तों लगातार कंपनी ट्रेड करते करते नीचे गिरती गई और 2020 में कोविड के कारण बहुत नीचे गिर गई। फिर इसने बाउंस बैक चालू कराया दोस्तों, और उसके बाद से यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का हाई तो 40 रुपये के आसपास, 43 रुपये के आसपास इसने हाई मार दिया, वहाँ से लगातार ट्रेड कर रही है। इसके प्रोस और कॉन्स की बात करें तो इसके प्रोस में कुछ भी देखने के लिए मिलेगा, कॉस के अंदर देखेंगे आप तो थोड़ा सा इसमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर दोस्तों इसकी सेल्स की बात की जाए कंपनी की, तो कोई भी कंपनी का सेल्स अगर बढ़ता है तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी, शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। तो इसका शेयर्स ईयर टू ईयर बेसिस पर आप देखेंगे तो आपके सामने दोस्तों कितना बढ़ रहा है। पिछले क्वार्टर में तो देख लीजिए 2014 हो चुका है, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो पहले माइनस में था इसका नेट प्रॉफिट, लेकिन पिछले क्वार्टर में प्लस में आपको देखने के लिए मिल जाने वाला है। वहीं पर दोस्तों आगे इसकी बैलेंस शीट पर हम नज़र डालेंगे थोड़ी सी, तो इसकी शेयर कैपिटल्स देखेंगे तो लगातार बढ़ रही है ईयर टू ईयर बेसिस पर। कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास पहले यहाँ रिजर्व्स हुआ करते थे, लेकिन फिर माइनस में चले गए, लगातार माइनस में, क्योंकि कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्ज है दोस्तों। इसके कर्ज की बात करें तो काफ़ी कर्ज यहाँ पर, यहाँ तक देख लेंगे आप, 2017 तक काफ़ी कर्ज था। इसके बाद से लगातार कंपनी अपना कर्ज चुका रही है। टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स इसके लगातार आपको बढ़ते हुए देखने के लिए मिल जाएंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 58.34% थी, वहाँ से लगातार बढ़ती हुई जा रही है। लास्ट में देख लीजिए यहाँ पर 62.48% प्रमोटर्स की होल्डिंग्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स में लगातार यहाँ पर इजाफा होते जा रहा है। उसी के साथ साथ देखेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग्स में भी यहाँ पर इजाफा देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन जो फॉरेन होल्डिंग्स है उसमें थोड़ी सी कमी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, हो सकता है युद्ध के कारण। और अभी इसका लेटेस्ट इसका चार्ट हम देखेंगे दोस्तों, लेटेस्ट चार्ट पर बात कर ले, 1.29% के रिटर्न्स आज इसने बना करके दिए। वहीं एक वीक की बात की जाए तो एक वीक में 19% के रिटर्न्स निकाल के, जहां पूरा मार्केट 30 से 40% क्रैश हो चुका है, हर स्टॉक क्रैश हुआ 30-40%, वहां पर इसने 19-20% के रिटर्न्स निकाल कर दिए। वन मंथ की बात करें तो 8% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वन ईयर की बात करें दोस्तों 300% के आसपास रिटर्न है दोस्तों इसके। 10,000 रुपये अगर आपने इसमें लगा दिया होता वन ईयर पहले, तो कम से कम आपको 30,000 रुपये इसने बना करके दिया था, जो कि मल्टी बैगर शेयर होते हैं जिनकी कीमत 100-200-300 रुपये से ऊपर होती है शेयर की, उतना रिटर्न्स वो भी नहीं देते, जो ये 40 रुपये का एक स्टॉक आपको यहाँ पर निकाल करके दे रहा है। थर्ड ईयर की, थ्री ईयर की बात करें 247% के रिटर्न्स है, 5 ईयर की बात करें 148% रिटर्न्स। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 1 ईयर से 5 ईयर्स के बीच में जो 1 ईयर्स के अंदर इसने रिटर्न्स बना करके दिए 300%, बहुत ही शानदार, बहुत ही काबिले तारीफ रिटर्न्स इसने बना करके दिए। अगर इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे आज की तो देख लीजिए 38 रुपये पर आज ये खुला था, 40 रुपये का हाई मारा और हाई से थोड़ा सा पीछे ट्रेड कर रहा है। 9 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, 48 रुपये का इसने हाई मार दिया। मार्केट डेप्थ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। उसी के साथ में फंडामेंटल्स भी आप देखेंगे
तो इसके ठीक ठाक फंडामेंटल्स हैं और कंपनी का कामकाज भी अच्छा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग्स भी अच्छी है। तो दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं बहुत ही शानदार स्टॉक है। और जिस तरीके से शुगर से रिलेटेड स्टॉक्स ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे, तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें बहुत अच्छा मौका है इन्वेस्ट करने का और पैसे कमाने का। तो अगर आप इस स्टॉक से इंटरेस्टेड हैं तो आप जरूर से इसमें इन्वेस्ट कीजिए। बाकी आपकी अपनी राय है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लीजिए, उसके बाद आपको इसमें इन्वेस्ट करना। बाकी जिस तरीके से शुगर से रिलेटेड शेयर ने रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर को, उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें इन्वेस्ट जरूर से करना चाहिए दोस्तों।